नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बड़ी बैठक बुलाई है। झांसी अग्निकांड के बाद यह बैठक बुलाई गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग पार्थ सारथी, सेन शर्मा बैठक में मौजूद। सचिन विशेष सचिव भी बैठक में मौजूद। महानिदेशक परिवार कल्याण चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर ब्रजेश राठौर बैठक में मौजूद। अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर चर्चा चल रही है। एनएक्सी सभागार में ये मीटिंग हो रही है। अलाउद्दीन से इस पर अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, क्या चर्चा हो रही है मीटिंग में? देखिए, 4 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है और बहुत अहम मुद्दा था झांसी से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर के न सिर्फ तमाम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जोड़ा गया है, बल्कि सारे बड़े अधिकारी स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन के यहाँ मौजूद हैं और इस बात पर चर्चा चल रही है। बात तो मेडिकल कॉलेज की या फिर सिंपली अस्पतालों की, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, कि वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी के साथ साथ इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, खासतौर से अग्निकांड संबंधित कोई मामला पेश ना आए, इसको लेकर के क्या एसओपी जारी की जा सकती है, क्या उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है। हालांकि सरकार इस पर पहले से ही बहुत ज्यादा संजीदा रही है और लगातार इस पर काम होता रहा है, लेकिन झांसी की घटना के बाद सरकार उन चीजों को और ज्यादा बेहतर और दुरुस्त करना चाहती है। इस बारे में बैठक अभी जारी है, करीब आधे बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, बैठक अभी जारी है, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शुक्रिया अपडेट के लिए।